जब पूरी दुनिया में मैं अकेली थी तब कमल दादा ने मुझे सहारा दिया, अपनी बहन बनाकर घर लेकर आई। और अब जब सही जाने वाली है तो एक बार फिर से मैं अकेली होने वाली थी। और अब दामाद जी मुझे अपने घर लेकर जा रहे, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर। तुमसे खूब आभार। चलिए मौशी, आप इस गाड़ी में आइए। चल सनी। पता नहीं किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है मुझे मेरी किस्मत ने। घर छूट रहा है, गांव छूट रहा है, लेकिन मेरे आबा की यादें। मेरे आबा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सोते जागते जो बात मैं तुमसे कहना चाह रहा था वो कह नहीं पाया, लेकिन कहूंगा। और जब कहूंगा वो मेरी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट होगा। वादा है मेरा। सोनाली, खाने में कसूरी मेथी डाली? ओ बहनी,
इतने दिनों बाद आ रहा है मेरा विराट, आज सारा खाना उसी के पसंद का बनेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलो। हम जबान चलाना बंद कर देंगे तभी तो हाथ चलेंगे ना। कुछ बोला तुमने? हाँ, कसूरी मेथी की खुशबू। विराट दादा आ गए। आई बाबा, अश्विनी काकू, निनाद काका, जल्दी चलिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। अच्छा, इतनी जल्दी आ गया? अरे अभी तक तो पूरा खाना भी नहीं बन पाया, बेचारे ने इतने दिनों से घर का खाना भी नहीं खाया होगा। खाना तो बनता रहेगा बहनी, पहले जाके उसका स्वागत तो करते हैं। चलो। अच्छा सुनारी, आरती की थाली तैयार की? कब की हो गई, अभी लाती हूँ। आरती की थाली क्यों? अरे आरती तो करनी पड़ेगी ना, इतने दिनों बाद आ रहा है वो, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे उसे। मैंने मस्त मस्त। चलो गैस बंद कर। अरे हो, आला विराट। विराट, कौन है ये लड़की? अच्छा, तेरी नाटक कंपनी में काम करने वाली लड़की है ना? हाँ? ये सही है काकू, विराट दादा की भाई। करिश्मा, जितना मुंह है उससे ज्यादा मत चलाया कर। विराट दादा की वाइफ, ऐसी बकवास मजाक में भी मत करना। करिश्मा सच कह रही है काकू। मोहित, अभी क्या कहा काकू ने? जो मुंह में आता बकवास किए चले जाते हो। हमारा विराट कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। चल रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं ये दोनों? ठीक सुना आपने बाबा, ठीक सुना आपने बाबा, ठीक सुना आपने बाबा। सही से शादी कर ली है मैंने, शादी कर ली है मैंने, शादी कर ली है मैंने। विराट, तू भी इन दोनों की तरह, नाटक मंडली की तरह मजाक कर रहा है ना अपनी काकू से? नहीं काकू, ये मजाक नहीं है, सच है।
कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सबसे चहीता बेटा, मेरा विराट, जिस पर मुझे नाज था, जो मेरा गरूर था, वो ऐसी हरकत कर सकता है। क्यों किया तुमने ऐसा? दिमाग खराब हो गया तेरा? किसे उठाकर लाया है इस घर में? ए लड़की, तू जो भी है, अभी के अभी निकल मेरे घर से। मुझे ये शादी मंजूर है और ना ही ये लड़की। ए मुली, लेकिन तुम ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? निकल यहाँ से। काकू, आपको याद है जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में था, अक्सर मेरे मुंह से आपने कमल जोशी सर का नाम सुना होगा। हाँ तो सही, उनकी बेटी है ये। किसी की भी बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कमल सर नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नहीं, मेरी लाश होती ही लाश होती। सीने पर लगने वाली गोली कमल सर ने अपने सीने पर खाई है और खुद की जान देकर मेरी जान बचाई है। शहीद हो गए वो। उस शहादत का कर्ज इससे शादी करके चुका दिया तूने? कर्ज नहीं, फर्ज। फर्ज? इस लड़की के लिए तेरा फर्ज इतना बड़ा हो गया कि अपने परिवार के लिए तेरा जो फर्ज है उसे भूल गया तू? फर्ज तो फर्ज होता है ना बाबा, क्या छोटा क्या बड़ा, ये आप ही ने मुझे सिखा रहे हैं। कमल सर के मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सही की पूरी जिम्मेदारी उठाऊं, और तू इसे चव्हाण खानदान में उठा कर ले आया। जिम्मेदारी उठाने का मतलब शादी करना नहीं होता है विराट। अरे हमें बताता, हम इसे कुछ पैसे दे देते, सिलाई बुनाई का काम सिखा देते, इसी के बराबरी का लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा देते। तूने इससे शादी क्यों की? काकू मैंने सोचा था कि तेरे लिए भी पत्रलेखा जैसी एक शहानुकोड़ी खानदान की मराठा लड़की ले आऊंगी। शहानुकोड़ी खानदान तो छोड़ो, ये लड़की मराठा भी नहीं है। तूने मेरी सारी उम्मीदें सारे सपने तोड़ दिए विराट। मैंने सुना विराट आया है। शादी कर ली विराट? सम्राट का अभी तक कुछ पता नहीं चला, घर में सब इतने दुखी इतने परेशान है, और तू शादी करके आ गया। विराट, मैं हमेशा मोहित को तुम्हारी मिसाल देता था, रोज कहता था कि विराट जैसा बनो, विराट जैसा बनो। परिवार को इकट्ठा कैसे रखते हैं, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, विराट से सीखो। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि मेरी सोच भी गलत थी और मेरी सीख भी।
कहा है विराट, हमें कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। तुझे याद है ना, जब मेरा मोहित करिश्मा से शादी ब्याह मैरिज करके उसे घर ले आया था तो कितना सुनाया था लोगों ने उसे, और आज तक सुना रहे हैं और आगे भी सुनाती रहूंगी। पता नहीं जवान खानदान की नसीब में ऐसी ही लड़कियां क्यों लिखी है। पहले ये तो कम थी, जो तीसरी आ गई, न घर हमारे बराबर न खून हमारे जैसा। कितना गर्व, कितना फक्र था मुझे तुझ पे, लेकिन आज तूने अपने परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। बाबा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए, और ना कभी ऐसा कोई काम करूंगा, क्योंकि फर्ज निभाना मैंने आप ही से सीखा है। बाबा, मैंने आप ही से तो पूछा था कि मैं अपने दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, और आप ही ने मुझे ये सिखाया था कि यह समझाया था कि अगर बात फर्ज की है तो अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था इस फर्ज की बात कर रहा है। फर्ज फर्ज होता है बाबा। कमल सर के अलावा इस पूरी दुनिया में सही का और कोई नहीं था। आप ही बताइए कैसे अकेले छोड़ के आ जाता हूं उसे। आपको पता है कितने जानलेवा हमले हुए हैं उसके ऊपर। वो जगताप और उसका वो बाप विठल गढ़चिरौली के सबसे बड़े कुंडे हैं। जगताप ने इसे किडनैप किया था, जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, कमल सर को भी जगताप ने ही मारा था। अभी भी खतरा टला नहीं है। आप बताइए कैसे छोड़ के आ जाता अकेले बिना कोई सहारे के। कमल सर ने अपनी जान देकर आपके बेटे विराट जवान की जान बचाई है, इसीलिए उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज था। इनफ विराट, आईपीएस ऑफिसर है तू, तेरी इस लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत थी, तो वो मुहैया करवाना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उससे भी बड़ा खतरा अगर इस पर मंडरा रहा था तो अपनी निगरानी में किसी और जगह पर इसे शिफ्ट कर सकता था। हजारों हजारों तरीके थे, लेकिन तुमने यही तरीका चुना। मैं जानता हूं तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तू यही चाहता था इससे शादी करना। ये आप मुझसे कह रहे हैं बाबा, आप कोई और ये बात समझे ना समझे, मुझे लगा आप मेरी बात समझेंगे और इस रिश्ते को अपनाएंगे। जिन हालातों में कमल सर की मौत हुई है, जिन हालातों से सही को गुजरना पड़ा है, सबके बाद सारे गांव वालों ने आकर मिलकर मुझे जब समझाया है कि सही की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए, तो मजबूरी में आकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। तूने हाँ करने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा? तू मुझे एक फोन करता, मैं खुद वहाँ आती और उन गांव वालों से। एटलीस्ट मुझे तो बता सकता था, मैं अपने हेडक्वार्टर से बात करके तुम्हारे लिए मदद भेजता था। मैं चव्हाण खानदान का बेटा हूँ, मैंने जो फैसला लिया सोच समझ कर लिया है।